नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक इंप्रूवमेंट वीडियो के साथ। मैं नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत बिजनेस लाइन के साथ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है बिजनेस स्ट्रेटेजी। हिंदी में इसको व्यवसाय रणनीति बोलते हैं, बंगाली में व्यवसाय कौशल बोलते हैं और जर्मन में गेसेप्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं। किसी भी एक बिजनेस के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपके पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कस्टमर के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आप कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे। एग्जाम्पल, आप अगरतला से कोलकाता जाना चाहते हो या बेंगलोर जाना चाहते हो, आपके पास कुछ रास्ते हैं। एक है आप फ्लाइट में जा सकते हो, दूसरा है आप ट्रेन में जा सकते हो, तीसरा है आप पैदल भी जा सकते हो। तो फ्लाइट में जाने के लिए बेंगलोर में अगरतला से 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है और उसी जाने को ट्रेन में 3 दिन लगता है और पैदल मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। तो आप किस कौशल से वहां पे जाना पसंद करेंगे, इसी को कौशल या स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सिमिलरली, अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी और पॉलिसी हमें चाहिए, एक क्लियर रोड मैप हमें चाहिए और इसमें चलना चाहिए। ऐसा देखा गया है एक सही गोल सेट करना ही बहुत मुश्किल काम होते हैं और इसीलिए हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके जो स्ट्रेटेजी है और पॉलिसी है उनको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। जो अच्छा है हमें सीखे और जो नेगेटिव है उसको छोड़ दें। आज हमें एक अमेरिकन फेमस बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट मिगेल पोर्टर के कुछ टॉप स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक सही गोल सेट करने के लिए हेल्प हो और आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सके। मिगेल पोर्टर ही क्यों, क्योंकि एक दूर की सोच ये भी एक प्रोसेस है हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। तो वीडियो में पूरा बन रही मिगेल पोर्टर फेमस है उनके स्ट्रेटेजी, थ्योरी और बहुत सारे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। उनका जन्म हुआ है मई 1947 में और ये बिशप विलियम लॉरेंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है हबर्ड बिजनेस स्कूल में और ये फाउंडर भी है द मोनिटर ग्रुप, अभी ये पार्ट है डिलोइट का, और FSG एक सोशल इम्पैक्ट कंसल्टेंसी। उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है जैसे पोर्टर्स हाइपोथेसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, पोर्टर्स 4 कॉर्नर्स मॉडल एक्सेट्रा। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है आप इसको गूगल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उनके टॉप स्ट्रेटेजी जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए फायदेमंद है। एक नंबर में, इफ ए स्ट्रेटेजी मीट्स ए गोल इट्स वर्किंग, इफ स्ट्रेटेजी मीट्स ए टारगेट इट्स ए सक्सेस। अगर आपके बिजनेस का कोई कौशल आपके गोल को अचीव कर रहा है तो समझेंगे ये कौशल काम कर रहा है। अगर आपका कौशल आपके टारगेट को अचीव कर रहा है तो ये सक्सेस है। 2 नंबर में, द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। स्ट्रेटेजी का जो मेन पॉइंट है, जो आपको ना करना चाहिए, इसके बारे में क्लियर हो जाना है। नहीं तो किसी ने अभी कुछ बोला तो आप इसमें लग जाएंगे और अभी दूसरा कुछ बोला तो आप उसमें लग जाएंगे, इसमें बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, एक एवरेज रिजल्ट आएगा। 3 नंबर में, चूज द राइट स्ट्रेटेजी, कॉस्ट और बेनिफिट और लीडर। स्ट्रेटेजी 101 इज अबाउट चॉइसेस, यू कैन बी ऑल थिंग्स टू द पीपल। सही कौशल को आप चूज करें, एग्जांपल में कॉस्ट हो सकता है या कोई बेनिफिट हो सकता है या कोई लीडर भी हो सकता है। वैसे भी 101 कौशल है, आप सब कुछ नहीं बन सकते और सब कुछ आपके लिए नहीं है। 4 नंबर में, द बेस्ट CEOs आई नो आर टीचर्स एंड एट द कोर ऑफ व्हाट दे टीच इज स्ट्रेटेजी। जो बेस्ट CEOs होते हैं वो टीचर्स होते हैं जो सिखाता है मूल स्ट्रेटेजी के बारे में। 5 नंबर में, देयर इज ए फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस। आपके कौशल और एक्टिविटीज दो डिफरेंट चीज होते हैं। आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी कुछ है और आपका बिजनेस एक्टिविटी दूसरा है, ये सोचने वाली बात है।
छः नंबर में इनोवेशन इज द सेंट्रल इशू इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आज के दिन में नए कुछ इनोवेटिव करना एक समस्याओं का फेस करना है, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए बहुत समस्याओं का समाधान करके ही आगे जाना पड़ता है। सात नंबर में स्ट्रेटेजी इज अबाउट मेकिंग चॉइस, ट्रेड ऑफ्स, इट्स अबाउट डिलिबरेटली चूजिंग टू बी डिफरेंट। आपका कौशल आपके लिए एक चॉइस है, ये दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। आठ नंबर में इन द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बिजनेसेस देयर इज सिंपली नो सच थिंग एज द बेस्ट। ये ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है इसी को आप बेस्ट बोल सके। ये आपके ऊपर है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो और इसके द्वारा आप कौन सा सर्विस देना चाहते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है और आपके माइंड को भी कुछ कसरत करना चाहिए जिससे आपको एक सही स्ट्रेटेजी चूज करने में हेल्प हो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे स्मॉल मीडियम स्केल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस डिमांड और सप्लाई के कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। शेयरिंग माइंडसेट को बड़ा बनाने की एक छोटा प्रैक्टिस भी है। अगर आपने हमारे चैनल पर तो अभी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को और क्लिक करके रखें ताकि इसी तरह की नए वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिले। और आखिर में आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।